14 फरवरी यानी प्रेम दिवस, जिसे पूरा विश्व वैलेंटाइन डे के रूप में मनाता है, लेकिन यह वही दिन है जिस दिन हमारे देश के वीर जवान पुलवामा हमले में शहीद हुए थे। इसी के मद्देनजर कल नाला सोपारा के कुछ युवाओं ने वैलेंटाइन डे न मनाते हुए हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम जनसेवा संघर्ष प्रतिष्ठान द्वारा रखा गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में लगभग 100 से अधिक युवाओं ने सहभाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, वसई लाइव न्यूज, नाला सोपारा। सबसे पहले यहाँ पे आए हुए सभी देशभक्ति और देश प्रेमियों को मैं आज जो हमारे पुलवामा अटैक आज ही के दिन हुआ था 3 साल पहले, जो हमारे भारत के इतिहास में काला दिन के नाम से जाना जाता है, अब मैं पहले जो भारत के सपुत्र जो अपने कर्तव्य करते हुए शहीद हुए थे, मैं उन्हें अपने नम आँखों से पहले उन्हें भावभीनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। 2019 रोजी गेले 3 वर्ष अगोदर पुलवामा इथे जो भ्याड हल्ला झाला होता त्यामध्ये आपले 40 CRPF जवान शहीद झाले होते, त्यामध्ये आपल्या देशाला पुरं संकट आलंच आणि देशाने आपलं ते पुलवामाचा जो बदला तो घेतलाच, परंतु त्यांच्या घरी जवान शहीदच्या घरी जे दुःख झालं, त्यांच्या घरच्यांचं दुःख भेटलं, ते आपण दुःख कधीच काढू शकत नाही। फक्त आपण एवढंच करू शकतो की दरवर्षी त्यांना दिलसे आपण त्यांची आठवण काढून आपण त्यांना श्रद्धांजली देऊ शकतो। 2 शब्द मी बोलून जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।